नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी तो वीडियो देखिए हमारी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने रोज यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम पहुंच गए रोजगार की तलाश में। जो जगह है ये है पुनपुन, और पटना से टोटल डिस्टेंस इसका है 8 से 10 किलोमीटर। और पहुंचे हैं हम जूनियर मॉल प्राइवेट लिमिटेड। इस जूनियर मॉल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, पूरी जानकारी लेंगे हम जेपी मधुब जी से। तो मिलवाते हैं आपको मधुब जी से। मधुब जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, हम लोग जूनियर मॉल के नाम से फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम आपको जूनियर मॉल के बारे में ही बता दें। हाँ। जैसे जूनियर मॉल, आप ये सुन के ही आपको लग रहा होगा कि ये अलग टाइप का कुछ नाम कर दिया है। अच्छा। तो लोग मॉल के नाम से ये सोचते थे कि मॉल मीन्स बड़े लोगों के लिए और बड़े लोग ही जा सकते हैं। तो हम लोग मीडियम क्लास को मद्देनजर रखते हुए इसका नाम रखे जूनियर मॉल। और जूनियर मॉल रखने के पीछे और भी रीजन है। जैसे ये हमारा कॉन्सेप्ट जो जूनियर मॉल का है वो 99 पे आधारित है। अच्छा। 99 मीन्स बाकी जगह जो भी आपको फ्रेंचाइजी मिल रहा है या जो भी है वो 99 का देता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 99 से 499 तक का हम लोग रखे हुए हैं। अच्छा। प्रोडक्ट जो भी हमारे कस्टमर को मिलेंगे वो 99 रुपये से लेके 499 रुपये तक का मिलेगा। 99, 199, 299, 399 और 499। अच्छा। ये 5 कैटेगरी में हम लोग सारे प्रोडक्ट को रखे हुए हैं। हाँ। इसमें ये मान के चलिए कि लगभग अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक, किचन का, घरेलू प्रयोग में जितने भी सामान हैं, कपड़े का आइटम हो गया, ये अभी हमारे पास है। बाकी प्रोडक्ट का अगर बात करें तो प्रोडक्ट देखने के लिए हम लोग चलते हैं ऊपर। ऊपर चलने के बाद हमारा जो सैंपल हाउस बना हुआ है उसमें चलिए हम लोग प्रोडक्ट 1x1 हम आपको कस्टमर को सारा जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं इस जूनियर मॉल के सैंपल हाउस में और जानकारी लेते हैं पूरा डिटेल में कि यहाँ से क्या क्या रेट में क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आप अगर इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो सर ये बताइएगा, आप सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए, हमारा फ्रेंचाइजी लेने के लिए पहले हम लोग क्या किए हैं कि 11,000 रुपये फ्रेंचाइजी चार्ज रखे हैं। अच्छा। जिसके अंदर वो पैसा लेने में सिर्फ हम लोग एक चार्ज के रूप में आपको कर रहे हैं, बाकी जो है उसमें हम आपको टी शर्ट, बैनर, कंपनी का सर्टिफिकेट, बोर्ड, ये सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मीन्स कि कहने का मतलब 11,000 रुपये जो दे रहे हैं 11,000 रुपये हम आपको वापस कर दे रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग का 3 पैकेज है, एक 1.5 लाख रुपये का, दूसरा 2.5 लाख का और तीसरा 5 लाख का। अच्छा, तो ये क्या अंतर है तीनों में? तीनों में अंतर ये है कि 1.5 लाख वाले पैकेज हम लोग उन लोगों के लिए रखे हैं, जैसे मान लीजिए आपका 10x10 का अगर दुकान है या फिर ये है, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ उसमें आपको 99 का प्रोडक्ट देंगे। ठीक है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारे पास मिलेगा उसमें 1.5 लाख वाले में देंगे, वो सिर्फ ओनली 99 का प्रोडक्ट उसमें आप मतलब मिनिमम आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई अपना फ्रेंचाइजी आपसे लेता है 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए मिनिमम जो एरिया होगा वो 10x10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट का उसके पास शॉप होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा। और उसके बाद 2.5 लाख और 5 लाख वाले में हमारा ये है कि आपके पास 200 से 300 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए। उसके पीछे ये है कि उसके अंदर हम आपको सारा रेंज देंगे, कपड़े का भी देंगे, बर्तन का भी देंगे, आपको प्लास्टिक का भी देंगे, मतलब एक डेली यूज के लिए जो लगभग जो सामान है वो सारा उसके अंदर रहेगा। तो थोड़ा एरिया उसका बड़ा चाहिए तो 200 से 300 स्क्वायर फीट में जगह चाहिए। अब उसके अंदर 2 पैकेज, 2.5 लाख और 5 लाख। तो 2.5 लाख में ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम आपको देंगे वो हमारे गोडाउन से आपको खुद से अपने भाड़ा पर लेकर के जाना होगा। 5 लाख वाले पैकेज में हमारा ये है कि हम आपके यहाँ FOR करके देंगे। मान के चलिए आप अररिया के रहने वाले हैं या मधुबनी के रहने वाले हैं, तो आप ऑर्डर किए, हमारे पास आए, सारा चीज हो गया, तो आप जैसे ही पेमेंट किए तो हमारा गाड़ी आपके यहाँ, आपके जहां भी जो जिस लोकेशन में आप दुकान या फिर मॉल खोले होंगे वहां तक हमारा जो है सारा चीज आपको पहुंचा करके देंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि 1.5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख, 3 प्रकार के आपके पास पैकेजेस हैं। ठीक है। ये गाइस, मैं आपको पूरा समरी करके लास्ट में बताऊंगा, इनसे पहले हम पूरा डिटेल ले लेते हैं, आगे बताइए। जी, तो अभी जैसे मान के चलिए आप अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। हाँ। तो उसके लिए आपको एक बार हमारे स्टोर पे विजिट करना होगा। यहाँ पे आने के बाद जो है एक फॉर्म है हमारा, वो फिलअप करना होगा, उसके बाद बाकी आप प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा। बाकी जगह फ्रेंचाइजी में होता क्या है कि जैसे 99 का हम बात करें, क्योंकि 99 का इसलिए हम बार बार बात करेंगे कि 99 से ग्राहक को आसानी से समझ में आएगा, जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनको ये बताया जाता है कि 99 में जो भी प्रोडक्ट है वो हम आपको 75 का करके देंगे, मतलब 75 में देंगे और आप 99 में जाके सेल कीजिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 75 में देंगे और 99 में आप सेल कर दीजिए। हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट का अलग अलग रेट है, वो आप प्रोडक्ट देख लीजिए और उस अनुसार आप ऑर्डर कीजिए।
उसके उसमें ये है कि जैसे मान के चलिए बहुत सारे प्रोडक्ट ना वो जो 75 का एवरेज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं 30 वाला भी प्रोडक्ट डालते हैं, वो भी आपको 75 में ही देंगे, 40 का भी प्रोडक्ट 75 में देंगे, और कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी उनके पास रहता है जो 80 रुपया उनका परचेजिंग है लेकिन उसके बावजूद वो आपको 75 में दे रहे हैं एवरेज करने के चक्कर में। उसमें क्या होता है कि जैसे 35 वाला प्रोडक्ट जो है 100 पीस आपको डाल दिए और 80 वाला जो प्रोडक्ट है वो 20 पीस डाल दिए, लेकिन सेल तो 80 वाले ही प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपके प्रॉफिट के अनुसार नहीं चलेगा, कस्टमर चलेगा उसको क्वालिटी के अनुसार, जितना अच्छा क्वालिटी देंगे उतना रिपीटेड कस्टमर आएगा, और आपका प्रॉफिट जब ही हो सकता है, सिर्फ आप ये नहीं देखिए कि 75 में हम लाए 99 में तो मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर कस्टमर रिपीट नहीं आएगा तो प्रॉफिट कहाँ हो रहा है। अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट सही दे रहे हैं, कस्टमर को क्वालिटी दे रहे हैं, प्लस रेट दे रहे हैं, तब कस्टमर आपके पास ज़्यादा रिपीट होकर के आएगा। तो हमारे पास क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रेट है, जैसे मान के चलिए 10 प्रोडक्ट का जो है 75 रुपये भी रेट है, 10 ऐसा भी है जो कि 80 का रेट है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि 35 रुपये के रेट में है, तो हम लोग वो 99 की तरह नहीं कर दिए कि 35 वाला भी 75 में देंगे, हम 35 वाला 35 36 में ही 35 में ही देंगे और आप ले जा करके उसको 99 में सेल, क्योंकि कस्टमर 99 में ही खरीद रहा है उस चीज़ को। लेकिन यहाँ जो फ्रेंचाइजर है वो क्या कर रहा है कि अपना मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में आपको समझा दिया कि हम 25 का दे रहे हैं, आप 99 में सेल कर दीजिए, लेकिन हकीकत वैसा नहीं होता है। आप 35 का सामान तो भी तो आपको 70 में दे रहा है, वो 35 रुपया प्रॉफिट कर गया और आपका सेल क्या हुआ कि वहां जाने के बाद आपके यहाँ प्रोडक्ट डंप कर गया, प्रोडक्ट तो आपका काम कर नहीं रहा है क्योंकि कस्टमर उस चीज को छूने के लिए तैयार नहीं है। कस्टमर क्या कर रहा है कि जो 75 का प्रोडक्ट है 80 का प्रोडक्ट है वो ज्यादा डिमांड कर रहा है, वो प्रोडक्ट में आपका मार्जिन कम है और वो जब भी आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आउट ऑफ स्टॉक वो दिखा रहा है, क्योंकि वो उसको तो उसमें मार्जिन दिख नहीं रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को बदलने के लिए क्या किए कि नहीं, आप जो भी प्रोडक्ट अपना चाह रहे हैं आप हमारे यहाँ आइए, सारा प्रोडक्ट देखिए, आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ एक्स वाई जेड ये भी प्रोडक्ट का ज़्यादा हमारे यहाँ सेल है, तो आप उसी प्रोडक्ट को बार बार रिपीट ऑर्डर कीजिए, 99 में अच्छा प्रॉफिट है और अच्छे से कमा सकते हैं और रिपीटेड कस्टमर आएंगे ये हमारे प्रोडक्ट में, और ये मेरे मतलब जो हमारा जूनियर मॉल का जो फ्रेंचाइजी है इसमें ये रहेगा कि आपको एक बार जो ले जाने वाले कस्टमर है उसका मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि वो वापस आएगा। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि लगभग इंडिया के अंदर जितनी भी 99 फ्रेंचाइजी चल रही हैं उसके अंदर क्या है कि जब स्टार्टिंग होगा, चाहे आपने जैसे बताया कि 1.5 लाख 2.5 लाख और 5 लाख के कॉन्सेप्ट हैं, अगर मैं बात करूँ कि 1.5 लाख का है तो स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट टाइम में वो बोलते हैं कि जो हम प्रोडक्ट देंगे आपको वही परचेस करना है, आपके यहाँ क्या है? नहीं देखिए, वो 99 बाकी लोग, यही तो हम बोल रहे हैं ना, 99 जो बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट मान के चलिए हम 1.5 लाख का पैकेज लिए तो 1.5 लाख में वो अपने अनुसार वो लिस्ट करेंगे, आपको 1.5 लाख दे देना है, आपको ये नहीं मतलब है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ कि आप 1.5 लाख का पैकेज है, 1.5 लाख में अगर आपको पहले से आइडिया है, लगता है कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट का ये है, फिर आप हमारा जो प्राइस लिस्ट आप देख रहे हैं उसके अनुसार लगता है कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट ज़्यादा चल सकता है, मतलब जो जो प्रोडक्ट आपको जरूरत होगा वही प्रोडक्ट देंगे, हम अपने अनुसार कोई भी प्रोडक्ट आप पे थपने का कोशिश नहीं करेंगे। मतलब ये स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम में, तो गाइस यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट यहाँ पे इनके 99 स्टोर के लिए ये प्रॉफिट है आपके लिए कि आप अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। अब इसी पे एक प्रश्न और होता है कि 99 के लिए प्रोडक्ट तो चूज कर लेगा, अब सेकंड टाइम में मान लीजिए फर्स्ट टाइम वो फ्रेंचाइजी ले रहा है चूज कर लेगा, सेकंड टाइम में तो ऐसा नहीं कि 1.5 लाख 2.5 लाख का माल लेगा, हो सकता है 25,000 का ले 50,000 का ले, तो उस कंडीशन में वो प्रोडक्ट को कैसे देखेगा और उसका प्रोडक्ट जाएगा कैसे? देखिए इसके लिए क्या है कि हम लोग ऐप्स डेवलप करवा रहे हैं। अच्छा। जो कि हमारा मार्च लास्ट तक आ जाएगा। अच्छा। एक महीना का समय है, उसमें क्या होगा, ऐप्स में ये फैसिलिटी है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट जो हमारे गोडाउन में अवेलेबल रहेगा वो वहाँ स्टॉक के साथ आपको दिखाएगा। अब आपको लॉगिन आईडी सारे जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी रहेंगे उनको सारे के पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, उस पासवर्ड के थ्रू वो लॉगिन कर लेंगे और जो जो प्रोडक्ट उनको चाहिए होगा वो वहाँ से सेलेक्ट करके भेजेंगे। उसके बाद हमारा जो टीम रहेगा वो आपसे एक बार कंफर्म कर लेगा कि आपके तरफ से ये चीज ऑर्डर आया है और ये आपको भेजना है या नहीं, अगर आप कंफर्म करते हैं तो वो अगले दिन आपके यहाँ से निकल जाएगा। बाकी फ्रेंचाइजी जितने भी लोग और भी लोग जो दे रहे हैं उनके यहाँ क्या है कि मान के चलिए वन टाइम तो आप आ गए 1.5 लाख लगा लिए, लेकिन अगले बार से भी लेना है तो वो बोलेंगे आप आ करके चूज करके जाइए और नहीं तो फिर हम अपने अनुसार भेज देंगे। हमारे यहाँ ये चीज़ इसका भी सुविधा हम लोग कर देंगे कि नहीं, आपको जो जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको वहाँ दिख रहा है, कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट हो सकता है कि जो कि आपके यहाँ जरूरत है, मान के चलिए जब आप ऑर्डर कर रहे हैं उस समय हमारे यहाँ स्टॉक में नहीं है तो आपको वहीं पर दिखा देगा कि अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है। सर से बोलते हैं कि थोड़ा आपको प्रोडक्ट दिखाइए, रेंज दिखाइए कि मेरे कस्टमर को यानी मेरे व्यूअर को मेरे फ्रेंचाइजी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कितना रेट का मार्जिन मिलने वाला है, तो मैं चाहूंगा कुछ दिखाइए इनको प्रोडक्ट। चलिए आइए हम लोग पहले गिफ्ट आइटम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिखाइए।
जैसे ये है, ये हमारा जो है डिनर सेट, मतलब लंच के लिए कह सकते हैं, ये हमारे पास 75 में आपको जाएगा, 99 में सेल करना है। अच्छा ठीक है। इसी तरीका से ये कटोरी सेट है, ठीक है, ये भुजिया वगैरह के लिए है और ये कटोरी है, हाँ। ये हमारे पास 78 में जाएगा, हाँ। आपको 99 में सेल करना है, ठीक है ठीक है। इसी तरीका से ये एक प्रोडक्ट है, हाँ। ये हमारे पास, चूंकि हम लोग पहले ही बोले हैं कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग रेट है, हाँ। ये हमारे पास 80 का है, हाँ। और ये आपको 99 में सेल करना है। अच्छा ठीक है। ये जो है हमारा 70 रुपए का है, हाँ। और ये 99 में सेल करना है। तो गैस देखिए 70 रुपए का, जिसके अंदर की 6 बाउल, 6 बाउल है, एक प्लेट है। तो और टोटल जो रेट है 70 रुपीज का है, आपको सेल करना है 99 में जी। ये अपना कप के लिए है, हाँ। कप है, हाँ। चाय के लिए, हाँ। और साथ में ये ट्रे भी है, ये आपको 72 का मिलेगा, हाँ। 99 में सेल करना है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक अलग तरह का प्रोडक्ट है, हीरो 2 इसको बोलते हैं। अच्छा। इसमें दो जो है जार है, अच्छा। और आप इसको मल्टी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए अचार रखने के लिए, अगर घर में मसाला वगैरह रखना हो उसमें भी आ जाएगा, घी वगैरह तेल वगैरह रखना है उसमें भी, मतलब मल्टी यूज में इसको यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास से जो है आपको 78 में मिलेगा और 99 में सेल करना है, ठीक। और दिखाइए कुछ प्रोडक्ट जी। बिल्कुल, जैसे ये गिलास सेट है, ठीक। अब इसके अंदर जो है आपको 6 पीस का गिलास मिलेगा। अच्छा। ये भी जो है आपको 99 में सेल करना है और 70 रुपए में हमारे पास। तो गाइस ये है क्रिस्टल ग्लास 6 का सेट है, और कितने का मिलेगा? यहाँ से 72 का मिलेगा और 99 में सेल करना है। अच्छा अच्छा। और दिखाइए। अब इधर से हम लोग प्लास्टिक, जैसे ये भी आपका चाय का सेट है, अच्छा। ठीक है, ये भी नींबू चाय के लिए है स्पेशली। अच्छा। और ये जो है 68 का आपको मिलेगा और 99 में सेल करना है, ठीक ठीक है। अब जैसे कुछ प्रोडक्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि 35 रुपया और 30 रुपया, उसको भी 75 में लोग करके देता है और 99 में सेल करता है। जैसे ये आप देख लीजिए, ये रोटी के लिए है, इसको हॉटपॉट, प्लास्टिक हॉटपॉट हम लोग बोलते हैं, हाँ। तो ये जो है हमारे पास से आपको 33 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ। और ये बाकी 99 वाले क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट को आपको 72-70 करके दे देंगे, हाँ। और चूंकि आप तो देख रहे हैं कि 70 रुपए का हम किने हैं, तो 99 में हमको सेल करना है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम आपको 36 रुपए में दे देंगे। ये पारस वगैरह का है, ये टिफिन में भी मल्टी यूज इसको भी कह सकते हैं, अच्छा। लंच बॉक्स की तरह है, लंच बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं और छोटा मोटा घर में भी आप यूज में ला सकते हैं, अच्छा। और ये पारस होम बेयर का प्रोडक्ट है, तो ये जो है आपको जैसे ये 199 में सेल करना है, अच्छा। कुछ प्रोडक्ट चूंकि हमारे पास 599 तक का रेंज है, हाँ। तो इसलिए सबका अलग अलग ये है। ये भी जो है आपका पारस का ही प्रोडक्ट है, चूंकि ब्रांड का हम लोग बात किए हैं तो कुछ कुछ तो ब्रांड चलेगा ही, तो ये भी पारस बेयर का ही है, वो ये भी 199 में ही सेल करना है आपको। अच्छा। और ये सब जो है आपको 125-140 के आसपास का, हर प्रोडक्ट का अलग अलग ये है। अब जैसे ये चिल्ली कटर है, ठीक है, ये जो है आपको 72 का मिल जाएगा और ये 99 में ये सेट है पूरा, इससे आप चिल्ली और ये सब काट सकते हैं। अच्छा। ये भी आपको 72 में ले जाकर के 99 में सेल करना है, और ये सब प्रोडक्ट ब्रांडेड है, अहमदाबाद का प्रोडक्ट है। उसके बाद ये हैंड ब्लेंडर है, अच्छा ठीक है, ये बिना लाइट वगैरह का चलेगा, कोई लाइट वगैरह का इसके अंदर जरूरत। इसका रेट क्या है? ये भी 99 में आपको सेल करना है, 70 रुपए में हमारे पास से ये। अच्छा। इसी में ये डबल ब्लेंडर है, अच्छा, ये इसका इसका क्या रेट है? ये भी 199 में आपको सेल करना है। और ये कितने का मिलेगा? ये 2 पीस है, ये आपको 164 रुपए के आसपास का, 164 का जी, ठीक। इसके बाद इधर हम लोग के पास अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, बोतल वगैरह है, ये सब जो है 99 में 2 पीस सेल करना है। अच्छा। और यही आप 99 वाले के पास जाइएगा तो वो 1 पीस करवा देगा आपको, चूंकि अच्छा। आपका परचेजिंग बढ़ जाता है, आपको लगता है कि हम महंगा किन के ला रहे हैं इसलिए हम कस्टमर को महंगा देंगे, तो यहाँ ऐसा नहीं है। जो भी है हमारे पास, हर प्रोडक्ट का अलग अलग रेट है, और एक लिस्ट हम लोग देते हैं जो कि जिसमें क्या करना है आपको, कि जैसे मान के चलिए आप कैसे डिसाइड कीजिएगा किस प्रोडक्ट को क्या करना है, तो ये भी हमारे पास मिलेगा। जैसे हम लोग प्रोडक्ट तो आपको अलग अलग ही देंगे, अलग अलग ही कार्टून में जाएगा, चूंकि अलग अलग रेट से जा रहा है, लेकिन जब आपके पास जाना है किसको किसके साथ कम्बो करना है, ये हमारे पास से आपको लिस्ट मिल जाएगा। अच्छा, उसका लिस्ट देंगे जी, बिल्कुल। वो इसलिए देंगे चूंकि आप मान के चलिए आप ले गए, अब जैसे ये बोतल है, ये बोतल और ये बोतल मिला के हम लोग कम्बो कर रहे हैं, तो ये आप कैसे डिसाइड कीजिएगा, ये इंपीरियल का बोतल है, ये पारस का बोतल है, हाँ। तो ये हम लोग पहले से ही बना के रखे हुए हैं, अच्छा। किसको किसके साथ कंबो करना है, अच्छा। जो आपका परचेजिंग है उसके अनुसार, ना कि हमारे अनुसार, हम तो अपना जो है ही। उसके बाद जो है हर प्रोडक्ट जो आपको हम दे रहे हैं उसके अनुसार, आपके अनुसार कंबो हम करके रखे हुए हैं, और आपको अपने यहाँ ले जा करके उसी उस
उसी अनुसार सेल करना है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट है? जी बिल्कुल, कपड़ा वगैरह भी है। अच्छा, गाइस दिखाते हैं हम यहाँ पे इनके कुछ और प्रोडक्ट। अब ये जैसे आप देख लीजिए, इसमें 7 किलो, 5 किलो और 10 किलो तीन तरह का डब्बा है। अच्छा, ये इसके अंदर 3 डब्बा है। अच्छा, ये मल्टीपर्पज ये भी है। अच्छा, ये 5 kg हो गया, ये 7 kg, तीन एक ही साथ है, तीन के, हाँ, ये 199 का है। 199 का जी, ठीक है। और दिखा दिए कुछ? बिल्कुल सर। अब जैसे ये नायरा सेट इसको हम लोग बोलते हैं, ये 2-3 तरह का चीज में काम आएगा आपको, घर में फल भी रखने के काम में आ जाएगा, सब्जी वगैरह धुलना हो वो भी काम में आ जाएगा। ये तीनों सेट 99 का है। तीनों सेट 99 का। तो काफी है, तो अच्छा है, कलरफुल भी है और मतलब रेट के हिसाब से भी काफी ठीक है जी। तो 99 में तो ये बिकेगा ना? बिल्कुल 99 में। लेकिन ये जो है कस्टमर को 72 में। तो सर यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं? यहाँ पे बर्तन का आइटम आपको दिखलाते हैं। ठीक, जैसे ये टमाटर कटोरी बोलते हैं, ये 3 सेट है। अच्छा ठीक है, ये भी आपको 99 में ही सेल करना है। तीनों सेट हमारे पास से 70 रुपए में आपको मिलेगा। 70 में जी। अच्छा, अब ये जैसे झंझरा छोलनी और कलछुल है। अच्छा, कंबाइंड है? कंबाइंड है। अच्छा, अब चूंकि कंबाइंड इसलिए अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग पीछे जैसे समझ रहे थे। हाँ, अलग अलग ये छोटे छोटे रेट के हैं। हाँ, जैसे 30-30 रुपए 20-20 रुपए के आइटम है। हाँ, तो इनको हम लोगों ने क्या किया है कि कम्बो कर दिया है। अच्छा, आपको जब जाएगा तो रेट आपको अलग अलग ही लगेगा। अच्छा, लेकिन आपके पास जाके इनको कम्बो करके सेट करना है, क्योंकि कस्टमर को हम लोग 99 ही या 199 या 299 करके सेल कर सकते हैं। तो अलग अलग रेंज में सारे चीज को जो है हम लोग ये कर दिए हैं कि कौन कौन आइटम को मिला करके ये करना है, इसका लिस्ट हम आपको दे देंगे। और जब ये जैसे मान के चलिए अब अलग से झंझरा का बात करें, तो ये हमारे पास से 32 रुपए में आपको जाएगा। अच्छा, लेकिन जब ये आपके पास जाएगा तो ये कम्बो बन जाएगा। अगर तीनों आइटम का मिला करके करें तब भी 66 रुपए का हो रहा है, 99 में आपको सेल करना है। तो इस टाइप से अलग अलग है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप दूसरे 99 में जाएंगे तो वो क्या कर देगा कि 3 कम्बो दिखा करके आपको 75 का कर देगा। तो आपको लगेगा हम 75 में लेके आए इसलिए 99 में सेल करेंगे। लेकिन हमारे ये नहीं है, तब भी तो आप प्रॉफिट कर ही रहे हैं। यहाँ 66 में बेच कर खरीद करके 99 में आप सेल कर रहे हैं, वहाँ 75 में खरीद करके 99 सेल कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो भी रेंज है वो अलग अलग तरह का रेंज है। कुछ प्रोडक्ट 80 भी दिखा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग पीछे दिखा रहे थे। अभी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी है जो 10 रुपए का भी है, वो उसको कम्बो कर करके किसके साथ डालना है वो देखना है हम लोग को। सारा कुछ आप बताते रहते हैं लिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा हमारे पास अलग अलग है। लिस्ट में भी हम आपको देंगे, जो प्राइस लिस्ट दे रहे हैं वो भी अलग दे रहे हैं, और किसको किसके साथ कम्बो करना है। जैसे ये भी हो सकता है, बहुत सारे जैसे 99 में बाकी जगह पे चलता क्या है कि 2 प्रोडक्ट कर देते हैं एक जगह, तो वो तो समझ में आ गया कि 2 प्रोडक्ट। लेकिन किसी आदमी को मान के चलिए एक ही प्रोडक्ट का जरूरत है, वो आपका 2 प्रोडक्ट क्यों लेगा? इस कारण से भी आपका कुछ प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो हम लोग क्या किए कि नहीं, जैसे मान के चलिए बर्तन का है और कुछ प्लास्टिक का है, ऐसा करके हम एक कम्बो कर दें कि उसके यूज का जरूरत हो। जैसे मान के चलिए अभी हम ये थाली का बात करें तो ये तो 99 का है, ठीक है, 99 में आप सेल कर रहे हैं। अगर इसको 199 करना है तो 99 का ये हो गया, इसके साथ में एक मग दे दिए, एक कटोरी दे दी, इस तरह से कम्बो कर दिए, तो उसका प्लास्टिक का भी काम हो गया और बर्तन का भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया और हमारा भी सेल हो गया। तो इस तरीका से हम लोग कम्बो करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को 2 या 3 या 4 करके सिर्फ कम्बो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैं आपके पास और भी देख रहा हूँ, कपड़े भी रखे हुए हैं आप, उसके बाद चेयर्स है और काफी चीज है। तो लगभग किस किस प्रोडक्ट में आप डील करेंगे? देखिए हम लोग जो लगभग आपको बताया है कि अभी 324 प्रोडक्ट है, आने वाले दिनों में ये लगभग अभी 700 के आसपास जाएगा। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर में। तो अभी चूंकि जितना भी हमारे पास जो है, अभी जैसे प्लास्टिक का रेंज है, क्लीनिंग का प्रोडक्ट है, जैसे मॉप वगैरह हो गया, उसके पास बर्तन वगैरह हो गया, आपको गिफ्ट आइटम में बहुत सारे चीज हैं, प्लांटर वगैरह हैं प्लास्टिक वगैरह में, तो अलग अलग कैटेगरी मोटा मोटी मान के चलिए कि अभी जो हमारे पास है वो 10 से 15 कैटेगरी का सामान है। आने वाले दिन में इसको 50 के आसपास, ये 50 कैटेगरी में सामान रहेगा जो आपके डेली का यूज का है। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में भी देखा जाए तो अलग अलग वैरायटी का अलग अलग तरह का है। बर्तन में हो गया, तो बर्तन में सिर्फ बर्तन बोलने से नहीं होगा, बर्तन एक हो गया कि नॉर्मल बर्तन हो गया, फिर कुछ उसमें अलग से डिनर सेट अलग आते हैं। तो इस तरीका से अलग अलग कैटेगरी करके देखा जाए तो लगभग 50 प्रोडक्ट हैं। अब बात रहा जैसे अभी जितना भी आप देख रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट तो हम आपको जो दिखाने लायक है वो दिखला दिए, बाकी कुछ प्रोडक्ट या तो आप देखना चाहें तो अभी दिखला सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए मान लीजिए इधर भी है, सारा प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से अब हर प्रोडक्ट को बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 300 प्रोडक्ट को अगर हम लोग बताने बैठे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको जितना अभी समझ में आ रहा है वीडियो से वो ठीक है, बाकी एक बार आप हमारे स्टोर पे विजिट कर लीजिए और 1x1 सारे प्रोडक्ट को आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो गाइस यहाँ तक जो उन्होंने बताया है, सारा कुछ हमने आपको बताया है,
एक चीज और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा व्यूअर आपके साथ जुड़ गया, यहाँ से ले गया 1.5 लाख का सामान या 2.5 लाख का या 5 लाख का, और उसके अंदर उसका सामान 50,000 का टूट गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हाँ देखिए, जैसे प्लास्टिक आइटम जो भी जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक में सिर्फ प्लास्टिक ही ऐसा आइटम है जो कि रिटर्निंग है, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। अच्छा। बाकी जैसे मान के चलिए आपको कपड़े का सामान गया या बर्तन का गया, तो ये इसमें डैमेज नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है। तो जितना भी प्लास्टिक का आइटम है वो हम लोग रिटर्निंग लेते हैं, मतलब अगर टूट फूट होगा तो उसको रिटर्न। हाँ, प्लास्टिक आइटम में रिटर्निंग है, और बाकी जैसे बर्तन वगैरह में है तो ये इसमें रिटर्निंग नहीं चलता है। अच्छा। ये हमारे यहाँ नहीं, किसी के यहाँ नहीं चलता है। अच्छा, तो प्लास्टिक आइटम में जो भी आपके यहाँ जाने आने में टूट फूट हुआ वो आप हमको, ऐसा नहीं है कि मतलब 1x1 चाहे आप जैसे ला सकें, ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर वाले लोग करते क्या है कि आपको बोलेंगे कि प्लास्टिक में हम रिटर्न ले लेंगे, लेकिन जब रिटर्निंग का बारी आएगा तो वो आपसे बोलेंगे कि पहले आप माल को इकट्ठा कीजिए, तब वन टाइम भेजिएगा, तब हम जाकर के रिसाइकिल के लिए दूसरे जगह भेजेंगे। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आपको अगर 10 पीस टूटा है 10 पीस रिटर्न दे दीजिए, हम 10 पीस ले लेंगे, जमा करना मेरा काम है। अच्छा। रिसाइकलिंग तो हमको करवाना है वापस। हाँ, हाँ। तो हम इकट्ठा कर करके हम करेंगे, आपको ये नहीं देखना है कि 10 पीस टूटा है, अब मान के चलिए आपका प्लास्टिक में 10 टूटा और उसके बाद 2 साल के बाद टूटा निकला, तो आपके पास तो 2 साल वो पड़ा रह गया, लेकिन हमारे पास तो मान के चलिए बाकी सभी फ्रेंचाइजी जगह से आएगा, तो हम अपने उस चीज को कर लेंगे। तो आपके पास जितना भी प्लास्टिक आइटम किसी भी पार्टी के पास जाने आने में टूटता है तो वो वापस लाके दे सकते हैं। अच्छा, तो गाइस यहां तक हमने वीडियो पूरा आपको दिखाया है कि जूनियर मॉल की फ्रेंचाइजी कैसे लें, कितने इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस स्टार्ट होगा, कितना आप इनकम कर पाएंगे इनके फ्रेंचाइजी के साथ, या इस कंपनी के साथ आप क्यों जुड़े, आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, ये सारा डिटेल हमने आपको बता दिया है। साथ में हमने आपको ये भी बताया है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, फ्रेंचाइजी फी कितना है, ये क्या क्या देने वाले हैं, सारा डिटेल में हमने आपको बताया है। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत जल्द से जल्द इनका जो फ्रेंचाइजी ओपन फ्रेंचाइजी है वहां पे भी विजिट करेंगे, उस फ्रेंचाइजी ओनर से भी हम बात करेंगे कि कितना कमा पा रहे हैं, इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी तरह के रेलिवेंट वीडियो हम लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो, आप अच्छे से अच्छा पैसा कमा पाएं, ऐसी कंपनी ऐसी फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़ें और जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को करिएगा लाइक और शेयर भी करिए उन लोगों को जिन लोगों को इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। मिलेंगे अगले वीडियो में, और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।